सो अभी अगर आप देखोगे तो रिसाइकल एक स्टार्टअप है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट का प्रॉब्लम इस देश का सॉल्व हो। मतलब हम 12 मिलियन मेट्रिक टन का वेस्ट जनरेट करते हैं एंड काफ़ी हद तक लिटरिंग होता है, और लिटरिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देर इज़ नो अवेयरनेस, द बिहेवियरल चेंज इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने सोचा कि अगर हम इसमें एक डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम लाते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जाके जब प्लास्टिक का कंटेनर या बोतल खरीद रहा है या लेज का पैकेट खरीद रहा है, उसके ऊपर ही हैज़ टू पे डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा। और वो जब डिपॉजिट देगा कि 30 रुपये का बोतल है, 5 रुपये का डिपॉजिट या 10 रुपये का डिपॉजिट, उस पर हम देते हैं QR कोड के माध्यम से। और जब वो कंज्यूम करता है तो वो वापस करता है, बिकॉज उसको मालूम है कि इस बोतल की वैल्यू अभी 10 रुपये है, 10 पैसे नहीं है, 10 रुपये है। तो नेचुरली वो 10 रुपये का इंसेंटिव इतना बड़ा होता है या 5 रुपये का इंसेंटिव इतना बड़ा होता है कि वो वापस लाके सिस्टम में देता है, और ये पूरा सिस्टम वर्क होता है QR कोड के माध्यम से, और पूरा स्कैनिंग होता है, कंप्लीट ट्रेसेबल होता है। मतलब यहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, सीधा उसके UPI में से उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। तो ये मॉडल हमने लाया। केदारनाथ का प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ा था, हम अब जानते हैं कि PM साहब ने भी कुछ दिनों पहले इसके ऊपर ट्वीट किया था, और वो काफ़ी बड़ा टेरेन है, लाखों लोग आते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और विच विल लाइक टू फर्स्ट केस स्टडी इन इंडिया, कि किसी ने डिजिटल DRS नाम की चीज़ पहले की नहीं है इंडिया में, तो हमने सोचा कि केदारनाथ लुक्स लाइक राइट प्लेस। तो हमने वहाँ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट किया। काफ़ी टफ था, काफ़ी 11,000 फीट के ऊपर 18 किलोमीटर का टेरेन कवर करना आसान नहीं था, बट वी टुक दैट चैलेंज। हमने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, हमने लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कन्विंस किया उनको, उन्होंने भी हमको परमिशन दी, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया। मैं रिसाइकिल से QR कोड लेता हूँ और उसमें अपनी प्लास्टिक की बोतल पर चिपका लेता हूँ। जब भी कोई कस्टमर आता है लेने के लिए तो मैं उनसे 10 रुपये अतिरिक्त लेता हूँ, और सामान लेते वक्त उनसे बोलता हूँ जब आप इस प्लास्टिक का यूज़ कर दोगे तो उसे कलेक्शन सेंटर में जमा कर दीजिए और आपको आपके 10 रुपये रिफंड हो जाएंगे। मैं केदारनाथ यात्रा पर आया हूँ, मुझे पानी की 20 रुपये की बोतल 30 रुपये में पड़ी। दुकानदार से पूछने पर दुकानदार ने बताया कि इसे खाली बोतल को रिफंड सेंटर में जमा करने पर रिसाइकिल के मुझे 10 रुपये मेरे रिफंड हो जाएंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कीम बहुत अच्छी थी ये, और जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और केदारनाथ की जो पॉल्यूशन प्लास्टिक है जो इधर उधर फेंके रहते हैं वो से बैन लगेगा इस पर, जो मुझे अच्छा लगा। श्री केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और इसी कारण जो वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें प्लास्टिक है, नॉन प्लास्टिक आइटम्स भी हैं, जैसे वाटर बॉटल्स हो गए या फिर जो ईटेबल्स के रैपर्स हो गए आदि को कलेक्ट करने के लिए हमने एक नया पायलट शुरू किया था, जिसमें जो भी व्यक्ति बॉटल खरीदता है उसको एक सर्टेन चार्ज उस पर देना होता है, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति उस बॉटल को या उस भी आइटम को वापस रिटर्न कर दे आफ्टर यूज़, तो उसको वो एक्स्ट्रा चार्ज वापस कर दिया जाता है। ये हमने रिसाइकल संस्था के साथ इसको पायलट किया था इस यात्रा में, और इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसको हम पूरी यात्रा रूट पर लागू करने जा रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट होगा उसको साइंटिफिकली हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे एंड फर्दर सेग्रीगेट एंड रिसाइकिल कर पाएंगे, और जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको कंपोज करके उसका भी उचित निस्तारण किया जाएगा। पूरी कोशिश यही है कि हमारा जो केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग है और जो केदारनाथ धाम के आसपास का एरिया है स्वच्छ और सुरक्षित रहे।
Here you are returning back empty bottle. Your money.